गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एक्सप्लेन चैप्टर 2 ईयर टू ईयर क्लास 4th. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ईयर्स कैसे होते हैं, किसी एनिमल्स के लंबे चौड़े छोटे मोटे जो भी ईयर्स होते हैं इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तुम सबको पता है कि ईयर्स इज अ सेंस ऑर्गन्स. ईयर्स ये हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक सेंस ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हम लोगों को सुनने के लिए हेल्प होता है, यानी कि हम लोग डिफरेंट तरीके के आवाज़ सुन सकते हैं. तो तुम लोग ये पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर्स हम लोगों को बहुत ही फनी लग रहा है. देखो एलिफेंट्स के ईयर्स कितने छोटे हैं, जिराफ के ईयर्स कितने बड़े बड़े लग रहे हैं, है ना. तो इस पिक्चर में क्या बताया है कि अलग अलग यानी कि एनिमल्स के अलग अलग ईयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग तरीके से बताया है जो हम लोगों को सही एनिमल्स के ईयर्स सही जगह पे फिल करना है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके रियल ईयर्स कैसे होते हैं. ओके, लेट्स सी देयर रियल ईयर्स फर्स्ट. हम लोग अभी देखेंगे एलिफेंट हैज़ बिग फैन टाइप्स ईयर्स, यानी कि एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और फैन टाइप के होते हैं. दैट मीन्स अगर उसको हवा डालनी हो तो वो अपने ईयर्स की हेल्प लेके डाल सकता है और हम लोग उसके ईयर्स देख भी सकते हैं, है ना. सेकेंड वन इज़ जिराफ. जिराफ हैज़ अ लीफी टाइप ईयर्स. जिराफ के जो ईयर्स होते हैं वो लीफ की तरह यानी कि पत्तों की तरह होते हैं और एलिफेंट के ईयर्स छोटे होते हैं. देन नेक्स्ट बफेलो. बफेलो हैज़ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. बफेलो के जो ईयर्स होते हैं उसके हेड के साइड में होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, और उसके भी ईयर्स तुम लोग देख सकते हो हल्के से यानी कि लीफ के शेप में होते हैं. देन नेक्स्ट रैबिट. रैबिट हैज़ ईयर्स ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड. रैबिट्स के जो ईयर्स होते हैं वो बिल्कुल उसके सर के ऊपर होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट भी होते हैं. देन नेक्स्ट डियर. डियर हैज़ लीफी टाइप ईयर्स. डियर्स के भी जो ईयर्स होते हैं वो लीफी टाइप होते हैं, यानी कि पत्तों की शेप में होते हैं और छोटे होते हैं. देन नेक्स्ट माउस. माउस हैज़ ए टीनी ईयर्स. माउस के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, क्योंकि माउस ही बहुत छोटा होता है तो उसके ईयर्स भी छोटे ही हो गए ना उसके बॉडी के हिसाब से. देन डॉग. सम डॉग्स हैव अ ड्रॉपी ईयर्स हैंगिंग डाउन, यानी कि कुछ डॉग्स के जो ईयर्स होते हैं वो नीचे झुके हुए होते हैं, तुम लोग देख सकते हो इस पिक्चर में. सम डॉग्स ईयर्स आर स्ट्रेट अप. कुछ डॉग्स के जो ईयर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, मतलब डॉग्स के टू टाइप्स के ईयर्स होते हैं, हैंगिंग टाइप एंड स्ट्रेट अप. ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा कि इनके रियल ईयर्स कैसे होते हैं. तो अभी हम लोग इसके करेक्ट ईयर्स देखते हैं कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स कौन से एनिमल्स को यहाँ पे लगाया है. फर्स्ट वन इज़ एलिफेंट. एलिफेंट के पास जो ईयर्स है वो किसके ईयर्स है जो बहुत ही छोटे हैं, वो है माउस के ईयर्स, क्योंकि माउस ये बहुत ही छोटा होता है. देन रैबिट. रैबिट के पास जो ईयर्स है वो किसके है, जिराफ के, क्योंकि येलो कलर की बॉडी किसकी है, जिराफ की, तो ये किसके है, जिराफ. देन माउस के पास जो ईयर्स है ब्राउन कलर के, वो किसके ईयर्स है, डॉग के, क्योंकि ब्राउन कलर की बॉडी किसकी है, डॉग की. देन जिराफ के पास जो ईयर्स है इतने बड़े ईयर्स किसके होते हैं, एलिफेंट के हो सकते हैं, तो जो जिराफ के पास जो ईयर्स है वो एलिफेंट के हैं. देन डॉग. डॉग के पास जो ईयर्स है वो किसके है, बिल्कुल स्ट्रेट, वो है रैबिट के. देन बफेलो के पास जो ईयर्स है वो किसके है, डियर के, जो ब्राउन कलर के है. एंड डियर के पास जो ईयर्स है जो ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं वो है बफेलो के. तो हमने क्या किया अभी, यानी कि करेक्ट एनिमल्स के ईयर्स करेक्ट देखा, यानी कि सभी एनिमल्स के ईयर्स क्या होते हैं, साइज़ में और शेप में डिफरेंट होते हैं और छोटे बड़े होते हैं. किसी के बिल्कुल सर के ऊपर होते हैं, किसी के सर के साइड में होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के लीफ शेप में होते हैं, है ना. सो ये सारे एनिमल्स हैं जो डियर, टाइगर, कैट, एलिफेंट, पीग, बफेलो एंड जिराफ, जिसके ईयर्स जो है हम लोग देख सकते हैं, दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स. ओके,
कुछ ऐसे भी एनिमल्स बर्ड्स होते हैं जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं, जैसे कि फ्रॉग, डॉग, पीकॉक, स्पैरो, आंट, क्रो, फिश एंड लिजार्ड्स। इसकी ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ये सब कैसे सुनते होंगे? उनको जो होता है एक टीनी होल होता है जिसके थ्रू उनको सुनाई देता है। ओके, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। अभी हम लोगों ने देखा कि अलग अलग एनिमल्स के ईयर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अमोंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर दैट यू कैन सी। अभी हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स के नेम दिए हैं, तो हम लोगों को वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एनिमल्स है जिसके ईयर्स हम लोग देख सकते हैं। इन विच एनिमल्स कैन यू नॉट सी द ईयर्स, और ऐसे कौन से एनिमल्स है जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसके पहले अभी हम लोगों ने पिक्चर्स देखे, राइट इन द टेबल बिलो। तो हम लोगों को ये टेबल क्या करना है, फिल करना है। सो फर्स्ट ऑफ एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स हम लोग देख सकते हैं, डियर, टाइगर, पीग, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट। अभी हम लोगों ने पिक्चर्स में देखा ये सारे एनिमल्स के जो ईयर्स हैं हम लोग देख सकते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं, फ्रॉग, स्पैरो, डॉग, फिश, आंट, स्नेक, क्रो एंड लिजार्ड। ये सब एनिमल्स जो होते हैं इनके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं। और ये एनिमल्स फिर सुनते कैसे हो गए? ये एनिमल्स यानी कि सुनते हैं क्योंकि उनके हेड पे एक टीनी होल होता है, टीनी होल के थ्रू वो सुन सकते हैं। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? देखो इस पिक्चर में तुम लोग देख सकते हो कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दिए हैं, उनको अभी अगर ईयर्स नहीं है तो क्या वो रियल में सुन सकते हैं? लेटेस्ट ऑब्जर्व द पिक्चर्स, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो कौन से एनिमल्स बर्ड्स के पिक्चर्स है। फर्स्ट वन जो पिक्चर है वो है हेन, देन स्पैरो, डॉग, क्रो, पैरोट एंड इधर लास्ट वन में जो दिया है वो है फ्रॉग। ओके, नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स। हम लोगों ने अभी देखे सारे एनिमल्स के पिक्चर्स। कैन यू सी देयर ईयर्स, हम लोग क्या उनके ईयर्स देख सकते हैं? नो, उनके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं। दे ऑल हैव ईयर्स इवन थ्रू वी कैन नॉट सी देम, उनको यानी कि सुनाई दे सुन सकते हैं वो, बट हम लोग उनके ईयर्स देख नहीं सकते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। ऐसे और दूसरे एनिमल्स के नेम्स देखो जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, क्रोकोडाइल, फिश एंड पिजन। पिजन का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया था, PIGEON यानी कि पिजन। ये सारे एनिमल्स के ईयर्स जो होते हैं हम लोग नहीं देख सकते हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, ऐसा कौन सा एनिमल्स था जिसके ईयर्स हम लोगों ने देखे कि फैन टाइप के होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो है एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, ऐसा एनिमल जिसके जो ईयर्स होते हैं वो पत्तों की तरह होते हैं, वो है डियर। एन एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ईयर्स बिल्कुल उसके सर के ऊपर होते हैं, वो है रैबिट। एन एनिमल विथ ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, जिसके यानी कि सर के बाजू में ईयर्स होते हैं, वो कौन है? टाइगर एंड बफेलो। बर्ड्स हैव टीनी होल्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड विच हेल्प देम टू हीयर, यानी कि बर्ड्स को क्या होते हैं? ईयर्स नहीं होते, हम लोग उनके ईयर्स नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके हेड के बाजू में एक टीनी होल्स होता है। तुम लोग देख सकते हो इस पिक्चर में जो पैरोट के जो आइज के साइड में देखो यहाँ पर टीनी होल है, ये होल के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? साउंड सुन सकते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हीयर, हम सबको पता है ईयर्स के थ्रू हम लोग सुन सकते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ एनिमल्स के ईयर्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी देखा हम लोगों ने डियर, जिराफ, एलिफेंट, डॉग, कैट। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, बट हम लोग बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते हैं। अ बर्ड हैज अ टीनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि उनके हेड के दोनों साइड में क्या होते हैं? एक टीनी होल होता है, जो तुम लोग इस पिक्चर में देख सकते हो। जनरली द होल आर कवर्ड विथ फीदर्स, और वो किससे कवर होता है? फीदर्स, यानी कि उसके ऊपर फीदर्स होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हीयर, और ये टीनी होल क्या करता है? बर्ड्स को सुनने में हेल्प करता है।
इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टीनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड्स। तुम लोग देख सकते हो लिजार्ड्स के हेड पे भी एक टीनी होल है। दीज आर इट्स ईयर्स। तो ये क्या है, उसका ईयर है जो होल के थ्रू वो सुन सकता है। एक क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर लाइक दिस। क्रोकोडाइल को भी इसी तरीके से होता है, बट वी कैन नॉट सी देम इजीली, यानी कि हम लोग उसको इजीली नहीं देख सकते। लेकिन इस पिक्चर में शो किया है, देखो ये आइस के ऊपर जो है लाइनिंग, ये इसके थ्रू यानी कि क्रोकोडाइल सुन सकता है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स के ईयर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, साइज़ में, शेप में भी, है ना। अभी हम लोग देखेंगे एनिमल्स की स्किन कैसी होती है। तुम लोग देख सकते हो इसमें टाइगर, देन डियर, जेब्रा और स्क्विरल, ये यहाँ पे जो जितने लेपर्ड जितने भी एनिमल्स हैं, इन सब की स्किन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। टाइगर की देख सकते हो येल्लो कलर की है, देन ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर, और उसके ऊपर ब्लैक कलर के पैटर्न है। देन डियर की देखो ब्राउन कलर की है और उसके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स है। देन जेब्रा की देखो जो ब्लैक कलर की है और उसके ऊपर वाइट कलर की स्ट्रेट लाइनिंग है। स्क्विरल के ऊपर देख सकते हो उसके पेट के ऊपर ब्राउन एंड ब्लैक कलर के क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है, स्ट्रेट लाइनिंग। लेपर्ड के ऊपर देख सकते हो तुम लोग, यानी कि इसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के स्पॉट्स है ना। तो सभी जो एनिमल्स की स्किन है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मैच द एनिमल्स शोन हियर विथ द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पिक्चर्स ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर्स ऑफ ईच एनिमल्स। सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा पिक्चर कौन से एनिमल का है। ये फर्स्ट वन ऊपर जो है वो टाइगर, देन डियर, स्क्विरल, लेपर्ड्स एंड जेब्रा, सभी एनिमल्स के हम लोगों ने पिक्चर्स देखे। अभी हम लोग देखते हैं कि टाइगर की स्किन कहाँ पर है, देन डियर की स्किन कैसी होती है, जेब्रा की कैसी, स्क्विरल एंड लेपर्ड की कैसे। इसके पहले के पिक्चर में हम लोगों ने देखा था, तो देखो ये ऊपर जो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है वो है जेब्रा। देन यहाँ पे यानी कि ब्लैक कलर के स्पॉट्स किसके ऊपर होते हैं, वो है लेपर्ड्स। देन ब्लैक कलर के लाइनिंग पैटर्न किसके बॉडी पे होते हैं, वो है टाइगर। देन ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्रेट लाइनिंग पीठ के ऊपर किसके होते हैं, वो है स्क्विरल। और ब्राउन कलर के बॉडी पे वाइट कलर के स्पॉट्स किसके होते हैं, डियर। तो हम लोगों ने ये मैचिंग किया किसकी स्किन कैसे होती है। तो हम लोगों ने देखा कि सभी एनिमल्स के ईयर्स एंड जो स्किन होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। सो एंड ऑफ पार्ट वन। तो हम लोगों ने पार्ट वन में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स एंड एनिमल्स स्किन, जो सभी एनिमल्स की स्किन जो होती है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देख सकते हैं कि हम लोगों सभी एनिमल्स की जो स्किन है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, और सभी एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जिसके ईयर्स हम लोग देख सकते हैं ऐसे एनिमल्स को, यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स है जिसके हम लोग ईयर्स देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसके यानी कि ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन वो फिर भी सुन सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा कि अलग अलग एनिमल्स के ईयर्स अलग अलग होते हैं, और अलग अलग एनिमल्स की स्किन जो होती है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो थैंक यू।